हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे ब्लॉग देखेंगे, ऐसे ब्लॉग को लाइक करते हैं कि जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा बट कुछ भी नहीं रहता है। तो गाइज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये ब्लॉग, और हम आपको हनुमान जी के दर्शन भी कराएंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा कि कुछ धार्मिक है ब्लॉग देख के, तो हमारी गली में फर्स्ट टाइम और फर्स्ट मंगलवार को सुंदरकांड पाठ था, जिसमें हमें जिम्मेदारी दी गई थी फ़ोटो लाने की। तो डायरेक्ट मैं ड्यूटी से सीधा गया शॉप पर, और यहाँ पे मैं सीधा आ गया हनुमान जी की फ़ोटो लेने। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ है, उसके बाद हनुमान जी की आरती है, फिर आरती के बाद प्रसाद भी मिलेगा और सबको दर्शन कराएंगे। और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो यहाँ हम भैया के पास आ गए और मार्केट में यहाँ पे हमने बनवाई हनुमान जी की फ़ोटो, वो भी आपको दिखाते। तो गाइज हमने फ़ोटो चूज कर लिया और भैया यहाँ पर फ्रेम काट रहे हैं उसी के हिसाब से, और इसमें फ़ोटो को सेट करेंगे। आप लोग को दिखाते हैं हम कि कैसी, मतलब हमारी फ़ोटो कैसी है और आप लोगों को कैसे लगी, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ ही मिनट में हमारी फ़ोटो हो जाएगी रेडी। तो गाइज हमारी फोटो हो गई है रेडी, तो एक बार बोलिए जय श्री राम। तो गाइज मैं फटाफट हो गया रेडी, और मैं अब जा रहा हूँ फूल माला और सुंदरकांड की बुक लाने, क्योंकि बुक मुझे वहाँ नहीं मिली मार्केट में। वहाँ से मैं फ़ोटो तो ले आया हनुमान जी की मूर्ति ले आया वहाँ से, बट हमें बुक नहीं मिली। अब बुक लाने जा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे ब्लॉग देखेंगे, ऐसे ब्लॉग को लाइक करते हैं कि जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा बट कुछ भी नहीं रहता है। तो गाइज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये ब्लॉग, और हम आपको हनुमान जी के दर्शन भी कराएंगे और सुंदरकांड भी सुनाएंगे। तो भाई ये तैयारी चल रही है यहाँ पे, कहाँ गए सारे। तो यहाँ पे मैंने गीता प्रेस की सुंदरकांड लिया। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, गीता प्रेस से ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड गीता जरूर खरीदें वहां से। एक माला कितने की अंकल? 30 रुपए की। फूल गुलाब का डाल रहे हो? क्या बात, बहुत बढ़िया अंकल। पांच कर दो, पांच हैं? गुलाब भी बेहतरीन वाला। नहीं नहीं, बढ़िया अंकल, बढ़िया बढ़िया। पूजा के लिए ले जा रहे हैं इसलिए वो नहीं कह रहा था, बढ़िया एकदम। हाँ तो भाई ये हमारे सोसाइटी अध्यक्ष, तो भैया आपका क्या कहना है? आज तो बहुत एक्साइटेड हो गए, सुंदरकांड का पाठ है हमारे सोसाइटी में, वो भी पहली बार, पहली बार एकता सोसाइटी में, और हमने सभी सोसाइटी वालों को बुलाया, इसमें सभी आएंगे और सभी हनुमान जी का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप लोग भी आए, और हमारे शिवम भैया जो हमारे सोसाइटी के कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे, ये हमारा पूरा रोल निभाते हैं हर जगह पूजा पाठ में, इनका भाई बहुत धन्यवाद। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर टाइम बहुत हो गया था और हम लेट हो गए थे, और हम तेज़ी से तैयारियाँ कर रहे थे यहाँ पे, बहुत तेज़ी के साथ जुटे हुए थे, और ये पूरी सोसाइटी का प्रोग्राम था आपको बता दूँ मैं। और हमारी सोसाइटी बहुत ही अच्छी है, एकता सोसाइटी जैसे नाम है वैसे काम भी एकता की तरह ही है, यहाँ पे सब मिलकर रहते हैं और बहुत ही अच्छा है। तो हम सोसाइटी वालों ने ठान लिया है कि प्रत्येक मंगलवार सुंदर कांड करवाएंगे और हनुमान चालीसा एंड उसके बाद आरती। कराने वाला हनुमान जी है, और राम की कृपा ही सब पर बनी रहे, और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें। आप लोग को बिना देरी करे हुए हम सुंदरकांड सुनवाते हैं, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। जय श्री राम। तो आप लोग बजरंगबली का दर्शन कर ही लिए होंगे, तो एक बार जय बजरंगबली ज़रूर बोले। जय श्री राम, जय बजरंगबली। एकता सोसाइटी के जितने भी सनातन प्रेमी हैं, बंधु हैं, जिनके कानों तक हमारी आवाज जा रही है, उनसे आग्रह है, निवेदन हो, शीघ्र पंडाल में आने का कष्ट करें। पूजन प्रारंभ हो गया है, जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे और पूजा शुरू हो गई थी हमारी। चलिए
ओम हरि ओम महाधव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधीषु शांतिर भवतु सहना भवतु सौनो भुनक्तु सर्वाणिदेव सवितुर्वितानि पराश्रो यद् भद्रं पश्यन्वाश्रुवः इमाम् भद्रसेविभ्यो आदिशक्त्यै इहा गच्छिहा तिष्ठ पुस्तक पे और यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पूजन की हो यहाँ थाली ठीक दो। ओम हरि ओम महाश्री खंड चंदनम दिव्य गंधाड्डो सुमनोहर अभिलेपनम सुरेश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीताम अक्षताश्च सुरेश्रेष्ठम कुमुकम सोभितम मया निवेदितम भक्तः गृहाणमं परमेश्वरः अक्षतम समर्पयामि श्री हरवते नमः आवाहित देवी देवताभ्यो नमः यहाँ गच्छिहा तिष्ठ गजाननम बोधगणादिदेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम् ओम हरिः ओम गणपत्यादिदेवेभ्यो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सौरिकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारे सर्वदः ओम आर्यम चावर्त संयुक्तम वाहिनम योजिता मया दीपम गृहाण देवे क्षेत्रे लोक्रे मृतिरापहम श्री हरवते नमः श्री रामचंद्राय नमः सभी देवी देवताओं को दीपक धूप शब्द कंदर पे गणित मिच्छ नो नीम नीर सुंदरम पट प्रीत मानो तरत लुच्छ नो मजन क्षतावरम भज दीन बंधुषणम आजान भूषण चाम धर बालाजी महाराज की श्याम रामचंद्र जी श्याम रामचंद्र जी जय जय इधर ही आ रहे हैं इधर से शुभ अवसर प्रदान हुआ है उसके लिए सभी सोसाइटी वासियों को क्यों अपने लिए सब जोरदार एक बार तालियां बजाएं। बड़े सौभाग्य से हम लोगों को भी सुंदरकांड पाठ करने का शुभ अवसर प्राप्त कराया है आप लोगों ने। आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं और सुंदरकांड पाठ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सात कांड की रचना की जिसमें एक कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड करने से पूरे रामचरितमानस पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ कोई भी पुराण
कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल रामचरितमानस पढ़ लीजिए। सारे पुराणों सारे ग्रंथों का निचोड़ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए सियाद रामचंद्र की जय, बोले बाबा जी महाराज की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो ये लिखित है रामचरितमानस, रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में हमारे बालाजी महाराज जो कलयुग में आज भी विद्यमान है, कणकण में विद्यमान है, उनके द्वारा माँ जानकी की खोज की कहानी लिखी गई है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री परमात्मे नमः। प्रणव पवन कुमार हर बन पावन घन आगारे बसई राम सर का पुधर। बल बांध्यो प्रभु बांध्यो सो तन बरन न जाए, उभय धरि महदीनी सारे प्रदक्षिण जाए। महावीर बिनु हनुमान आज जाएगा तो कौन? मेरे बाबा बालाजी महाराज। ये तो अब मोदी जी ने आकर के एयर स्ट्राइक किया, लेकिन हमारे बाबा ने तो त्रेता युग में एयर स्ट्राइक कर दिया था लंका में जाकर। आज एयर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं बालाजी महाराज, और वो करने वाले कौन है? मेरे पवन पुत्र हनुमान। तो पहला है हेलो कि दुनिया में देवो हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना देवो। अरे कबो जीवन पर
कांड खत्म हो गया था और उसके बाद दो भजन जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए जल्दबाजी में गए। और क्या मस्त आवाज है यार, सुन के आप भी प्रसन्न हो जाओगे। जय हो हम वासी नदी लुटावे लुटावे नदी लुटावे अरे गुस्से में है भाई, चलकर आई है तो बुआ हर बुआ गुस्से में हो जाती है।
क्या करने आई है? भगवान हुए हैं 5 दिन और ससुराल में खबर कब पहुंची? 4 दिन बाद कि भतीजा हुआ है नंद बाबा के भतीजा हुआ लड़का हुआ है लड़का हुआ नंद बाबा के लड़का हुआ। तो क्या करने बुलाना? छठी का दिन है भैया, कदरा लगाने के लिए जाहिर सी बात है हर बुआ जाती है अपने अपने भाई के। पक्का कजरवा कजरवा अब हनुमान जी की आरती शुरू होने जा रही है। हनुमान जी की आरती हो चुकी थी और यहाँ पर प्रसाद बंटना शुरू हो गया था और हम कर रहे थे प्रसाद का वितरण। तो गाइस यहीं पर वीडियो को हम करते हैं एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।